हेलो बच्चों, तो आज हम गॉस लॉ का एक छोटा सा डेरिवेशन या एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और वो ये है कि जब एक डिस्क हमने यहाँ पे ली कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हो जिस डिस्क का रेडियस आर हो, तो इस क्यू चार्ज की वजह से डिस्क में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, डिस्क में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो उसकी वैल्यू है क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स सेंटर से डिस्टेंस है, आर डिस्क का रेडियस है। ये डिस्क है, ये चार्ज क्यू है, यहां से देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे निकलेगा, डिस्क में से पास करेगा। तो पूछा है कितना फ्लक्स पास करेगा। फ्लक्स सब समझते हैं ना, सबको फ्लक्स समझ में आता है, क्या होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, तो यही पूछा है। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को एनालाइज करने का एक और तरीका है। अगर इसको मैं पूरे को वर्टिकल फ्रेम में लेके आऊं तो ये पूरी कहानी ऐसी लगती है कि जैसे कोन के वर्टेक्स पे चार्ज क्यों रखा है। ध्यान से देखो, इसी को अगर मैं ऐसे सीधा कर दूं ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि ये कोन के, ये कोन हो गया कि वर्टेक्स पे चार्ज क्यों रखा है और उस कोन में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज क्यू बाहर निकलेगा, ड्यू टू चार्ज क्यू कोन में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। यहां हमने क्या किया कि सेमी वर्टिकल एंगल थीटा ले लिया। ठीक है, कोन को यहां से डिवाइड किया वर्टिकल से और सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। तो हमने देखा कि फ्लक्स थ्रू कोन इज क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा। दीज बोथ आर सेम थिंग। ध्यान से देखो, इसी एंगल को तो हमने यहां पे थीटा बोल दिया, यही तो किया, इस एंगल को थीटा बोल दिया। इस फिगर से अगर हम देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होगी। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू हमसे कोई पूछे तो बेस अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपकी मर्जी है, चाहो तो आप कॉस थीटा लिखो, चाहो तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों सेम चीज है। ये फील हो गया, एक चार्ज क्यू डिस्क की एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे रखा हो या चार्ज क्यू कोन के वर्टेक्स पे रखा हो। वेरिएबल्स बदल दिए, यहाँ पे थीटा के टर्म्स में आंसर दिया है वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ एक्स और आर के टर्म्स में आंसर दिया है वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ध्यान से देखो तो इसी एंगल को थीटा बोला इस फिगर में, सो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इन दोनों में से अगर एक भी हम डिराइव कर लें तो अपने आप दूसरा प्रूफ हो जाएगा। तो हम ये वाली डेरिवेशन आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी किताबों में और काफ़ी कोचिंग में कराई जाती है और इसके थ्रू ये भी प्रूफ हो जाएगा। क्लियर बात है, देखो यही डायग्राम है ना, ये इसको ऐसे रख दो तो ये थीटा हो गया, देन दिस विल बिकम, दिस टर्म विल बिकम कॉस थीटा, सो वन माइनस कॉस थीटा लिखूं या ये। चलिए ये वाली डेरिवेशन देखते हैं। फॉर्मूला पहले नोट कर लें कि कोन के थ्रू फ्लक्स निकला क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा और डिस्क के थ्रू q बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जैसे यहां हमारे पास एक डिस्क है और डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट चार्ज q रखा है, डिस्क का रेडियस r दे रखा है। पूछा है चार्ज q की वजह से डिस्क में से कितना फ्लक्स बनेगा। देखो सामने यहां पे डिस्क है ऐसे ऐसे और पॉइंट चार्ज q इस एक्सिस पे रखा है, दिख रहा है यहां पे, यहां से फ्लक्स ऐसे निकलेगा और डिस्क से पास करेगा। पूछा है कितना फ्लक्स बनेगा भाई। तो बच्चों फ्लक्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे, तो बच्चों फ्लक्स का ये फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरिएबल है। ध्यान से देखो, ये जगह चार्ज के पास में है तो फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगी, ये जगह चार्ज से दूर हो गई है तो वहां जाके फील्ड कम हो जाएगी। जैसे जैसे डिस्क के अलग अलग पॉइंट्स कवर करोगे, चार्ज क्यों है देखो ये वाली लाइन ज्यादा दूर जा रही है तो यहां जाके फील्ड कम हो जाएगी और यहां पे फील्ड ज्यादा होगी। भाई ये पास में पॉइंट है, ये दूर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब तुमको पता है कि इस टाइप की चीजें हैं, डिस्क हो गई, स्फीयर हो गया या कुछ भी ऐसी चीजें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो,
वहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, छोटे छोटे एलिमेंट लेने पड़ते हैं। बच्चों डिस्क का एलिमेंट क्या होता है, क्लास 11 में कई बार पढ़ा है, डिस्क का एलिमेंट होता है रिंग। अगर डिस्क को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है तो किस में तोड़ोगे, रिंग में। तो हमने एक काम किया कि यहाँ से किसी भी एक पॉइंट पे आ गए और यहाँ पे हमने एक रिंग बना ली। क्या बना ली, एक रिंग बना ली, ठीक है, ए ऐसे, ए ऐसे, हमने एक रिंग बना ली। ये हमारा एलिमेंटल एरिया हो गया, मास की जरूरत है नहीं यहाँ, यहाँ तो एलिमेंटल एरिया की जरूरत है। ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है, ठीक है। लेट दिस डिस्टेंस बी स्मॉल आर, ठीक है, और इसकी विड्थ को थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं डी आर। बोलो कोई दिक्कत, ये जो विड्थ है डी आर और इस रिंग के रेडियस को मान लिया आर। इस जगह पे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, सब लोग एग्री करते हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज। और बच्चों एरिया वेक्टर कैसा होगा, अगर डिस्क ऐसी है तो एरिया वेक्टर डिस्क के परपेंडिकुलर ऐसा होगा, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो रिंग के लिए या डिस्क के लिए, दोनों के लिए एरिया वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा डी ए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बोलो सही है, ए ऐसे बन गया डी ए वेक्टर। अब बात आती है कि डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। अगर बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल को अल्फा मान लूं तो क्या ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, बिल्कुल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन तो सेम है। बोलो सही है, खिचिक खिचिक एंगल अल्फा। यानी यहां से निकलने वाला एलिमेंटल रिंग से, फ्रॉम एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग समझते हैं बहुत ही थिन रिंग। हम करेंगे क्या, हम पतली पतली, प्लान क्या है हमारा, हमारा प्लान है हम पतली पतली रिंग्स काटेंगे खूब ढेर सारी, हर एक रिंग का फ्लक्स निकालेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। एक रिंग का फ्लक्स निकाल लो, एक रिंग में से कितना फ्लक्स बन रहा है, छोटा सा फ्लक्स, फ्रॉम एलिमेंटल रिंग छोटा सा फ्लक्स डी फाइन इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस अल्फा। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ही पतली पतली रिंग काटेंगे, कहां से कहां, पहले स्मॉल आर की वैल्यू को जीरो कर लेंगे, फिर स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ते 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 कैपिटल आर के बराबर। देखो स्मॉल आर की वैल्यू जीरो किया, यहाँ एक रिंग बनी, थोड़ी सी बढ़ाई ये रिंग बनी, स्मॉल आर की वैल्यू आर बाई टू करेंगे यहाँ एक रिंग बनेगी, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर, तो यहाँ इस तरह से सारी रिंग्स बन जाएंगी, सब में से फ्लक्स आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ वैल्यूज रखना चाहेंगे क्या आप, सो डी फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। चलो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 1/4 pi epsilon naught पॉइंट चार्ज की वजह से क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पर ये आर मत रखना, आर डिस्टेंस होता है चार्ज से, तो चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोले यही होगा, चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर रखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई डाउट तो नहीं है। चार्ज क्यू से ये पॉइंट कितना दूर है, इतना, और यहाँ उस दूरी का स्क्वायर रखा जाता है 1/4 pi epsilon naught q/r² वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज विद That point, तो इसका स्क्वायर, ये मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught q/x² + r² चलो ठीक है। अब बात आई डी ए की, डी ए क्या है, डी ए एलिमेंटल रिंग का एरिया है। तो एलिमेंटल रिंग का एरिया कितना होगा, कितना होगा, इस रिंग को मैंने उठाया और इस रिंग को मैंने ऐसे सीधा कर दिया, खोल के सीधा कर दिया इस पूरी रिंग को। जब बच्चों इसको सीधा करोगे तो इसकी लेंथ कितनी होगी, सर्कमफेरेंस के बराबर, सर्कमफेरेंस इसका होगा 2πr, रेडियस r है इसका, इसको खोल दिया 2πr। और बच्चों ये कितना होगा थिकनेस इसका, dr। तो यहाँ से इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका छोटा सा एरिया dA, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ एरिया के लिए 2πr इंटू dr। फिर बात आई cos अल्फा की, बच्चों cos अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटनियोस, तो बेस इज x अपॉन हाइपोटनियोस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पाई से पाई मर जाएगा, 2 ones are 2, 2s are 4 और कुछ तो सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमें डी फाई की वैल्यू मिलेगी, डी फाई की वैल्यू मिलेगी q अपॉन 2 epsilon naught, ऊपर मेरे पास बचेगा x इंटू आर डी आर अपॉन, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 है,
तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो सही है, 1/2 + 1 कितना हो गया 3/2। ठीक है, 1/2 यहाँ पर, यहाँ 1 प्लस किया 3/2। अब आपको टोटल फ्लक्स चाहिए, तो बच्चों टोटल फ्लक्स के लिए क्या करो, छोटे छोटे फ्लक्स को इंटीग्रेट कर दो, या ऐसा लिखा है देखो ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, तो आपने ई डॉट डी ए तो निकाल लिया है, वॉट इज दिस ई डॉट डी ए, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो टोटल फ्लक्स के लिए, है ना। पहले इसकी वजह से फ्लक्स निकाला, सिर्फ एलिमेंट की वजह से। अब पूरे के लिए चाहिए तो ऐसी छोटी छोटी रिंग खूब ढेर सारी काटो, कहाँ से कहाँ, क्यों, कौन वेरिएबल कौन है, ध्यान रखो एक्स वेरिएबल नहीं है, एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा। देखो जब दूसरी रिंग काटोगे तो भी एक्स वाई रहेगा, अगली रिंग काटोगे तो भी एक्स वाई, ये रिंग तो भी एक्स वाई, एक्स तो यार ये डिस्टेंस है ना। आप रिंग अलग अलग चूज करोगे हर बार, ऐसे खचक 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 बड़ी बड़ी रिंग। आर वेरिएबल है और आर की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू होगी 0, तब ये वाली रिंग बनेगी, फिर बढ़ाओगे तो ये रिंग बनेगी, फिर ये रिंग, इस तरह करते करते पूरी डिस्क कवर हो जाएगी, सबसे फ्लक्स निकल आएगा, है ना। तो आर वेरिएबल है हमारा, याद रखना आर हमारा वेरिएबल है और आर 0 से कहां तक जाना है, कैपिटल आर तक, है ना। अच्छा आओ इसको इंटीग्रेट करें, तो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। कांस्टेंट चीजें बाहर ले लो, क्यू कांस्टेंट, 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक्स भी तो कांस्टेंट रहेगा, ये डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा डिस्क का और चार्ज का, इन पॉइंट्स का चेंज हो रहा है जहां जहां फ्लक्स निकालना है। अच्छा सो इंटीग्रेशन जो होना है बेसिकली वो होना है आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इस टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्लास 11 पे आपने थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम आपको सिखाएं, कहाँ पे बताया जाए आपको, यहीं बताया जाए। चलो अगर मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को टी स्क्वायर मान लूं, लेट जरा डिफ्रेंशिएट करो दोनों तरफ, 2RdR, x तो कांस्टेंट है, 2TdT ऐसे डिफरेंशिएट होगा, है ना, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, R का 2RdR और T का 2TdT, है ना, दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, 2 से 2 कट गया, तो RdR की जगह TdT लिख सकते हैं। सो QX अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट RdR की जगह TdT अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह T स्क्वायर और t स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, t क्यूब आ जाएगा। बोलो सही है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह t स्क्वायर रखा, t स्क्वायर रखते ही 2 कैंसिल, t क्यूब, सो दिस विल गिव अ 2t की पावर -2, है ना। सो फाइनली qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -2 dt। बच्चों t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 यानी -1/t। ठीक है, ये सब तो आप कर सकते हो बेसिक इंटीग्रेशन, qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये आएगा -1/t। बोला सही है, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, तो नीचे -2 + 1 - 1 और ऊपर -2 + 1 t की पावर -1 जिसको -1/t। क्या आपने ये सारी चीजें नोट कर ली है, नोट कर लें तो मैं इसको मिटा दूं, नोट कर ली, मिटा दी जाए, एलिमेंटल रिंग ली, ऐसी खूब डिसाइड रिंग है, इस रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है चार्ज की वजह से, यहाँ पे ऐसे जाएगी, है ना, हर जगह इस रिंग के लिए ये एंगल चेंज नहीं होगा, इसमें भी मत डरो, जैसे ये रिंग ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी और ये ऐसे होगा, सो दिस विल बी अगेन अल्फा। भाई ये डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगा, ध्यान से देखो, है ना, तुमको लग रहा है सिर्फ इस पॉइंट के लिए ऐसा हुआ है, नहीं, इस रिंग पे बसने वाले हर पॉइंट के लिए ये कहानी होगी। देखो ये डिस्टेंस एक्स चेंज नहीं होना, ये एंगल तुम्हारा फिक्स हो जाएगा जब घुमाओगे एक रिंग के लिए, तो बच्चों ये डिस्टेंस भी तो फिक्स हो गया, ये वाला ऐसे टर्र, देखो टर्र, ये डिस्टेंस फिक्स होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स हो गया और ये एरिया वेक्टर, सो दिस एंगल विल ऑलवेज बी अल्फा। मैं इसको मिटा लूँ, अब नोट कर लें, ओके, तो वापस आते हैं इंटीग्रेशन पे। अच्छा देखो, अब इंटीग्रेशन होना तो टी में था बट वैल्यूज तो ये हैं, तो टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो इट विल बी क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और -1/t की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, आर की सबसे पहली वैल्यू 0, आखिरी वैल्यू कैपिटल आर, बस वैल्यू रख दो, क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, पहले R की जगह x की जगह मत रखना, R वेरिएबल है, R की जगह कैपिटल R, -1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
माइनस, फिर माइनस लगेगा तो प्लस, वन अपॉन, अब आर की जगह जीरो, तो वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी वन बाई एक्स. सो टोटल फ्लक्स इज कमिंग आउट टू बी क्यू, इस एक्स को अंदर भेज दे रहे, अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एक्स को अंदर भेजा तो ये एक्स बाई एक्स माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोले ऐसे लिख सकते हैं. इस एक्स को अंदर भेजा तो एक्स बाई एक्स माइनस एक्स अपॉन दिस, एक्स बाई एक्स विल बिकम वन. सो वन माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही एक्सप्रेशन चाहिए था हमें. सो दिस इज द फ्लक्स थ्रू डिस्क. अब इसी को कोई कहे कोन के टर्म्स में समझना हो, है ना, तो बच्चों इस एंगल को थीटा मान लो. अब देखो ये कोन जैसा दिखाई पड़ने लगा, इसी को ऐसे इमेजिन कर लो. बोलो पूरी कहानी सेम है, कुछ चेंज है? यही कहानी थी. अब यहां से अगर मैं बोलूं कि कॉस थीटा की क्या वैल्यू है, कॉस थीटा की, यहां से बताओ मुझे कॉस थीटा की वैल्यू बताओ. कॉस थीटा की वैल्यू देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इसको, ये रेडियस आर है, एक्स आर, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर. तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो चाहे वन माइनस कॉस थीटा लिख दो कोन के लिए, चाहे ऐसे रख दो डिस्क के लिए. तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई हो. छोटा सा एक क्वेश्चन डेरिवेशन आगे मैंने अगले लेक्चर में यूज़ किया इसलिए भी करके दिखाया. तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट.